हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 दोनों डिस्कस हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.3 की एक स्पेशलिटी है, वो पहले बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, आएगा कि √5, √3 या फिर कोई भी रूट दिया होगा और उसको इरेशनल प्रूफ करना होगा। ये इस वाले एक्सरसाइज की एक स्पेशलिटी है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका एक बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो उन्हें बता दो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसके टाइप का, या तो फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और अभी जो एग्जाम वगैरह होंगे, पहले वाले जो यूनिट 1 के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये आता है। तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसके पहले वाले जो थे वो अगर आपको देखने होंगे तो मेरे चैनल पे विजिट करके उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं। लेट देखिए, प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 1। प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इस पूरे मेथड का एक नाम दिया गया है जिसमें हम पहले उस चीज को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। पहले अज्यूम कर लिया और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, मतलब उस बात को गलत ठहरा दिया गया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर वी फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट अंडर √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड देम बाय अ कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। देयरफॉर ए इज इक्वल टू अंडर √5 बी। जो ए है उसको यही लेने दिया गया और बी को उस साइड शिफ्ट कर दिया गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी चीज अगर डिविजिबल है तो उसको k के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर। दोनों को स्क्वायर कर देंगे, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। दिस मीन्स लेट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। देखिए, b स्क्वायर को भी तो 5k का स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अगर ये वाली चीज इसके बराबर है और इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया गया है तो उसका रिवर्स भी तो लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर, क्योंकि दिस इम्प्लाइज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। देखिए, ए और बी को हमने को प्राइम माना था, लेकिन ए और बी दोनों के बीच में एक फैक्टर है 5 का। तो इसका मतलब √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q एंड इट कैन एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपने रेशनल और इरेशनल की अच्छे से डेफिनेशन भी पढ़ी हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा कि रेशनल नंबर वही होते हैं जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन √5 को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है 3 + √5 को आप इरेशनल प्रूफ करो। तो इसको ए बाई बी के बराबर मान लेंगे। 2 √5 इज इक्वल टू ए बी, और ये वाली चीज ए बाई बी और ये वाली चीज इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी -3। √5 को इंडिपेंडेंटली अलग रखना है और 2 को यहाँ पे डिविजन में लेते जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिविजन में आ जाएगा। तो 1/2 × 1/(b-3). सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर दिस विल बी रेशनल, देयरफॉर √5 को भी रेशनल होना चाहिए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन सबको इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए, 1/√2 को पहले रेशनल मानते हुए ए बाई बी के बराबर लिख लेंगे। √2 को बी बाई ए लिख सकते हैं, बी बाई ए एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन √2 भी एक इरेशनल होगा जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब अगर आप √2 को रेशनल बोल दोगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। देयर फॉर आवर एजम्पशन फेल्स एंड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले उसको हम मान लेंगे कि वो रेशनल है, फिर हम उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, और √5 को एक तरफ रख के 7 को दूसरी साइड लेके गए तो a/7b हो गया। नीचे वो कोई भी चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है।
तो ए अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, रूट 5 शुड बी रेशनल बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 प्लस रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम हमेशा की तरह अज्यूम कर लेंगे कि लेट 6 प्लस रूट 5 इरेशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 6 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब रूट 2 को उसी तरफ रहने दो और 6 को इधर लेते आओ, तो ए बाई बी माइनस 6, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स ए बी माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल एंड हेंस रूट 2 इज शुड बी अ रेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन फेल्स एंड 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 1.4 एक नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आई होप आपको सारे वीडियोज अच्छे से समझ आ गए हों और सारे क्वेश्चन आपको मतलब अच्छे से समझ आ गए हों, ठीक है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रूट 5 वाला। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.4 के साथ, और इसके पहले की भी एक्सरसाइज मैंने अच्छे से कवर करा रखी है, वो भी आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। आप अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।